सर आज आपने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली ना? नहीं यार, ठीक है। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका डायग्राम बनाएंगे। माइक्रो एम्पीयर ब्रैकेट में आप लिख दें न्यू फील, इधर ओरिजिन जीरो, और इधर लिखेंगे वी रिवर्स बायस, वी रिवर्स बायस, फिर है 0.5 माइनस का 0.5 माइनस का 1.0 और माइनस का 1.5 वोल्टेज लिखेंगे -1, -2, -3 ग्राफ ऐसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स कंडक्शन, और यहां से ये मिल रहा है, यहां पर लिख देंगे ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। तो क्या होता है कि रिवर्स बायसिंग में हमने ये देखा था कि जब भी कभी कोई पीएन जंक्शन डायोड होता है तो उसका जो पी टाइप पोर्शन है उसको तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, और जो एन टाइप वाला रीजन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब उल्टा करा जाता है, ठीक जैसा फॉरवर्ड बायसिंग में था उसका उल्टा करा जाता है। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ देख कर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर भी वाई एक्सिस के नाम पर भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक्स एक्सिस के नाम पर भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि भाई हमने करंट को नेगेटिव में पहुंचा दिया या वोल्टेज को नेगेटिव में पहुंचा दिया, वोल्टेज का घटना यानी कि वोल्टेज को धीरे 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 रिड्यूस करना उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं, और जो करंट है करंट को हम नीचे की तरफ से दिखा रहे हैं यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन पहले वाले फॉरवर्ड बायस के केस की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू जो है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 0.5, 1.0, 1.5, तो इन सबके आगे इधर हमने माइनस माइनस लगा रखा है, ठीक है। तो माइनस का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग के केस में अपोजिट है। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो रिवर्स बायसिंग में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मेजर डिफरेंस इसमें ये है कि वहाँ पर हमने जो करंट दिखाया था उसको लिखा था मिली एम्पियर की रेंज का। मिली एम्पियर का मतलब क्या? अगर मान लो 2 मिली एम्पियर है, अगर 2 मिली एम्पियर है तो 2 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 2 × 10⁻³। और वहीं अगर हम कहें 2 माइक्रो एम्पियर है तो ये हो गया 2 × 10⁻⁶। तो माइनस थ्री का मतलब, इसका मतलब क्या है कि 2 / 1000, और इसका मतलब क्या है 2 / 1000 2 × 10⁻⁶, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइक्रो एम्पियर का करंट है ये मिली एम्पियर के कंपैरिजन में 1000 times कम होगा। 1000 times कम का मतलब क्या है कि बिल्कुल ना के बराबर करंट होने वाला है। तो हमने ये आपको बताया था एक सीधा सीधा फंडा कि अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करता हूँ तो रिवर्स बायसिंग में सर्किट इज अज्यूम्ड टू बी ओपन सर्किट, ये सर्किट में किसी तरीके का करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि सर्किट इज अज्यूम्ड टू बी शॉर्ट सर्किट, यानी कि वहाँ पर पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो करंट प्रॉपरली फ्लो करता है फॉरवर्ड बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग में हमने माइक्रो एम्पियर हमने दिखाया ही इस वजह से कि करंट जो फ्लो करेगा वो बहुत कम वैल्यू का करंट फ्लो करेगा, मतलब ना के बराबर ही मान सकते हैं उसको, नेग्लिजिबल माना जा सकता है।
ठीक है ना। हाँ तो आप ये देखिए माइक्रो एम्पियर भी है और उसके बावजूद भी कम कम है, कितना कम है, 0.5, 1.0, 1.5 नेगेटिव, सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में अगर करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो रिवर्स बायसिंग में राइट टू लेफ्ट जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, यहाँ पर हम वोल्टेज कम कर रहे हैं। रिवर्स बायसिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो ये जो ग्राफ है ये अगर देखा जाए मैथमेटिकली या ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बन गया, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो वाला जो ग्राफ हमने बनाया था वो हमने बनाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये तो हो गई रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में दो पॉइंट अभी लिखवाऊंगा आपको, जैसे फॉरवर्ड बायस में तीन लिखवाए थे पॉइंट। तो अगर एग्जाम में सिर्फ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो वो ग्राफ और तीन पॉइंट लिख देते हैं, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो ये ग्राफ और अब जो मैं दो पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो लिख दें। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं डायोड के, तो आपको फॉरवर्ड बायस वाले तीनों पॉइंट, रिवर्स बायस वाले दोनों पॉइंट जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो लिखने हैं, और ग्राफ एक नया बनाना है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, इन दोनों ग्राफ्स को ज्वाइन करके, वो मैं बता दूंगा आपको अभी कैसे। तो यहाँ रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल दो पॉइंट लिखना है, फॉरवर्ड के अपोजिट है, वो बिल्कुल उल्टे हैं, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा रिवर्स बायस का, यहाँ पर हम ये कहेंगे व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जिनका एग्जाम नहीं है वो कल सुबह आ जाना फिजिक्स की क्लास के लिए, जिनका एग्जाम नहीं, जैसे तुम लोग हो तो प्रैक्टिकल तुम नहीं आओगे, ठीक है ना। तो बाकी बच्चे भाई रुद्रांश सर 1 बजे तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा भी, किस टाइम से सर 1 बजे रखो आ जाएंगे, बट टाइम 1 बजे वही सुबह का 11 या 12 बजे का टाइम है, 1 बजे रखो हम आ जाएंगे, 1 बजे आ सकते हैं, 10 बजे शुरू होगा फिर खत्म हो जाएगा, 1 बजे का रखो, 1 बजे सभी आ जाएंगे, नहीं 2:30 पे भाई प्रैक्टिकल है, दो से तीन चलो कोई बात नहीं, मैं 1 बजे रख लेता हूँ क्लास, देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चों को मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना, ऐसा कर देंगे तो जितने बच्चे आएंगे। हाँ रात की रख लेते कल, रात रख लेते हैं, गुड, रात को 9:30 रख लेता हूँ ना, कल मैं रात को रखूँगा, कल 24 है ना, ठीक है। ऑनलाइन अटेंड कर लेना आप दोनों दूर से, ठीक है, तुम तो आ जाना, देख लेना जैसा ठीक है। हाँ तो डायोड इज रिवर्स बायस्ड, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो हमें थोड़ा मतलब सतर्क रहना चाहिए, आजकल थोड़ा मौसम ठीक सा हो रहा है, मतलब उतनी ठंड नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, ज़्यादा मतलब अभी कपड़े एकदम से मत उतार देना कि भाई बस अब तो गर्मी आ गई, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस, हाँ आराम को दिखा रहा हूँ, ब्रेक डाउन रीजन क्या है नोट कीजिएगा, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल करंट, द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल करंट कॉमा अबाउट अ फ्यू माइक्रो एम्पीयर्स विच ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद बायस, बायस का मतलब है बैटरी को कनेक्ट करना, इट इज कॉल्ड बायसिंग। दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट,
दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स. This small current is called reverse saturation current. ठीक है, second लिखे point, when the reverse bias voltage across the PN junction reaches a sufficiently high value, sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value. The reverse current suddenly increases, to a large. The reverse current suddenly increases to a large value. Full stop. This voltage at which breakdown of the junction diode occurs this voltage at which breakdown of the junction diode occurs is called breakdown of the junction diode. Breakdown of the junction diode occurs is called Zener breakdown voltage. Peak inverse voltage of the diode or peak inverse voltage of the diode or peak inverse voltage of the diode. तो ज़ीनर ब्रेकडाउन का मतलब क्या है और इस ब्रेकडाउन रीजन का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको आप बढ़ाते गए नेगेटिव डायरेक्शन आप बढ़ाते गए रिवर्स बायस वोल्टेज को. अब एक लेवल ऐसा आ जाता है, एक वैल्यू ऐसी आ जाती है कि उसके बाद ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है. उस वैल्यू को हम ज़ीनर ब्रेकडाउन बोल देते हैं. उस ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि अब डायोड रहा ही नहीं. ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया. ब्रेकडाउन होने का मतलब ये है कि अब पूरी तरीके से करंट फ्लो करेगा और बहुत ज़्यादा वैल्यू का करंट फ्लो करेगा. तो इसी वजह से ये बताया कि भाई यहाँ से यहाँ तक किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत कम वैल्यू का करंट फ्लो करेगा. और उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आ जाती है कि उसके बाद फिर वो फ्लो करना शुरू कर जाता है. ठीक है ना, ये चीज़ इसमें दे रखी है. यानी कि ब्रेक जो डायोड था, अब वो डायोड की तरह रहा ही नहीं, अब वो कंडक्टर बन गया है. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी है. उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में वी आई करेक्टरिस्टिक, तो वी आई करेक्टरिस्टिक में आपको क्या करना है, एक तो ये रिवर्स बायस वाला ग्राफ और एक वो फॉरवर्ड बायस वाला, दोनों को ना ज्वाइन करके बना देना है. वी आई करेक्टरिस्टिक
दोनों ग्राफ्स को ज्वाइन करके बना देंगे आप। कैसे भाई? वो वाला ग्राफ कहाँ पर था? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और ये वाला ग्राफ कैसे था? ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वही वहां पर वैल्यू ली थी हमने 1, 2 और 3 वोल्ट्स, यहाँ पर भी -1, -2, -3, -1, -2, -3, ठीक। और इधर जो हमने करंट लिया था वो मिली एम्पियर की रेंज का लिया था, मिली एम्पियर। और क्या क्या वैल्यू ली थी? 10, 10 की 10, 20 इस तरफ लिख रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये, और साइड में एक डॉटेड डायग्राम और बना लो इसी के जैसा, ठीक है। यहाँ लिख देना कि ये सिलिकॉन डायोड के लिए, और यहाँ लिख देना ये जर्मेनियम डायोड के लिए। जर्मेनियम डायोड का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा करंट की तरफ इंक्लाइंड होता है, थोड़ा सा इस तरफ होता है, बस इतना। प्रॉपर्टी अलग है दोनों, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका ये ग्राफ। मैं कोई नया नहीं बना रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है एज इट इज उठाकर चिपका दिया है यहाँ पर। इसी तरीके से ये जो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है एज इट इज यहाँ पर चिपका दो, ये ऐसा, ठीक। यहाँ पर नीचे लिख दीजिए माइनस का 0.5, माइनस का 1.0 और माइनस का 1.5, और यहाँ लिखना माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, दोनों को ज्वाइन करके बना देना है बस, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 3 पॉइंट आपको फॉरवर्ड बायसिंग वाले और ये 2 पॉइंट आपको रिवर्स बायसिंग वाले वहाँ पर नोट कर देने हैं। क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा नंबर वाला ही क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक। उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशन हमको करने हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। एक मिनट वेट करिए।
तुम्हारी किस्मत है ट्रांसफार्मर से पढ़ा दिया है पहली का सिलेबस के साथ आ रहा है देखता हूँ पहले जवाब निकलते हैं हमारी गलती तो नहीं है चलिए रिजेक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर में आप नोट करें कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है
सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर। अब जैसे ये लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये चार्जर, ये कैमरा का चार्जर है, नीचे लैपटॉप का चार्जर, तो ये जो डिवाइस है ना, ये जो रखी हुई है, ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर ही है। इसका काम क्या है कि जो डायरेक्टली जो भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके और फिर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। इसी तरीके से जो पुराने टीवीज़ थे, पुराने टीवीज़ को तो छोड़ दीजिए, उनमें रेक्टिफायर जो है वो अंदर लगा रहता था टीवी के अंदर, लेकिन आजकल जो टीवीज़ आ रहे हैं, क्योंकि एक ये बहुत ज़्यादा आजकल जो कस्टमर्स की डिमांड है वो ये चल रही है कि भाई हमको जो टीवी है वो स्लीक चाहिए, तो क्या कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो रेक्टिफायर है जिसकी इतनी विड्थ है, उस रेक्टिफायर को टीवी के अंदर इंड्यूस नहीं करा जा सकता। तो आजकल आप ये देख रहे होंगे कि टीवी के जो वायर्स हैं, तो टीवी के वायर के साथ में एक इतना बड़ा पूरे का पूरा जिसको अडैप्टर बोल देते हैं, वो काफ़ी बड़ा अडैप्टर नहीं होता एक्चुअली, वो भी रेक्टिफायर ही होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से आजकल जो टीवीज़ आ रहे हैं वो कंप्यूटर वाले ही आ रहे हैं, मतलब आप उसमें यूट्यूब गूगल वगैरह सब कुछ चलता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो घरों में सप्लाई हो रहा है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। अब वो दो तरीके से कन्वर्जन होता है, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। हाफ वेव का मतलब क्या हो गया, हम ये जानते हैं कि कोई भी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें वेव्स बनती हैं। वेव्स मतलब भाई पॉजिटिव साइड भी जाता है वो नेगेटिव साइड भी जाता है, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ऊपर वाली जो साइकिल होती है उसको क्रेस्ट बोल देते हैं, नीचे वाले को हम ट्रफ बोल देते हैं। तो हाफ वेव में क्या होता है, हाफ वेव में सिर्फ मेरे को क्रेस्ट क्रेस्ट ही मिलती चली जाती है, लेकिन ऑल्टरनेटली मिलती हैं। कैसे मिलेंगी देखिएगा, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम,
इजली इनपुट पर एक दो तीन और फिर ये चौथा लूप यहाँ एक दो और तीन, मतलब मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने कम बनाया है, तो कम बनाने का मतलब एक तरह से क्या हो गया स्टक डाउन। अच्छा इसके बाद कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब पंखा कुछ भी उसको मैं आर एल बोल देता हूँ। इस पॉइंट को बोलो ए, इस पॉइंट को बोलो बी और ये हमारा डायोड का सिंबल है। ठीक है इसके बाद फिर आप एक वेव फॉर्म बनाना, मतलब इसमें समझाने वाला काम आप खुद भी कर सकते हो, वेव फॉर्म हो और एक ये डायग्राम आपको याद हो बस। ठीक है तो ये एक डायोड अपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इधर तो लेंगे टी, टी मतलब टाइम और यहां लिखेंगे वोल्टेज एट ए कैपिटल ए, ये वाला वोल्टेज एट कैपिटल ए। ऑल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म यही थी। ठीक है अच्छा उसके बाद हमने एक हमने दो वेव्स बनानी है यहाँ पर, इधर हम लिख देंगे इनपुट एसी, इनपुट एसी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा वोल्टेज जो है वोल्टेज इनपुट एसी, मतलब हम इनपुट पर प्रोवाइड करा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अगर उसकी पूरी एक कंप्लीट वेव की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यू आती है, फिर अगली फर्स्ट हाफ साइकिल में फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ए पर अप्लाई करी गई वोल्टेज है। ठीक है तो ए पर जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग करंट का क्या काम है कि ए पर वोल्टेज हमारी यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक वोल्टेज कैसी है, पॉजिटिव है वोल्टेज, वोल्टेज पॉजिटिव है और ए किससे कनेक्टेड है, ए पी जंक्शन से कनेक्टेड है, पी वाले डायोड से कनेक्टेड है, पी वाले टाइप से, तो पी वाली साइड ये हो गई और एन वाली साइड ये हो गई, P वाली साइड ये हो गई, N वाली साइड ये हो गई। अगर हम
पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव यहाँ पर टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अगर मैं इसको देता हूँ पी वाले को, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, बताओ नहीं समझे। हमने ये देखा था कि ये जो डायोड होता है, ये डायोड है, इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो यानी कि पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, पी वाली साइड के साथ, ठीक है। तो इस केस में डायोड कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब जैसा वोल्टेज आ रहा है वैसा ही वोल्टेज फ्लो करना शुरू हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरी चीज, अब फिर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई डायोड तो वही है, लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट अगली हाफ साइकिल में क्या करेगा, नेगेटिव वोल्टेज दे देगा। तो जब नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो नेगेटिव जब पी टाइप से कनेक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो आप ये देखिएगा कि ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वोल्टेज की, जो फर्स्ट हाफ साइकिल है ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो पॉजिटिव वोल्टेज जब पी के साथ कनेक्ट होगा तो फिर वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जो ये वोल्टेज है ऐसी ही वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिल जाएगी, ऐसी ही वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। तो मेरा डायोड ऑन हो गया, इस केस में करंट फ्लो करने लगी। उसके बाद आप ये देखिएगा, फिर अब आ जाते हैं जब वोल्टेज ए पर, जब वोल्टेज नेगेटिव हो गई, अब जब ए पर आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करा दी, तो नेगेटिव वोल्टेज जब पी टाइप से कनेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई वोल्टेज नहीं, इसका मतलब जीरो। नेगेटिव जब इनपुट उसको दिया तो आउटपुट कितना मिलेगा, जीरो, समझ गए। फिर से पॉजिटिव मिल गया तो फिर से एग्जैक्टली जो इनपुट आपने दिया एग्जैक्टली वैसा ही इनपुट आउटपुट मिल गया आपको। उसके बाद फिर नेगेटिव आया, नेगेटिव आते ही वो फिर से ओपन सर्किट हो गया, फिर से जीरो। तो इसका मतलब क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर भाई, आधी ही वेव कन्वर्ट हो रही है सिर्फ डीसी में, डायरेक्ट करंट में सिर्फ आधी ही वेव कन्वर्ट हो रही है, पूरी वेव कन्वर्ट नहीं हो रही है, समझ गए ठीक। तो कई 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 सर्किट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम जो ये एफएम रेडियो डिवाइस जो होती है, ठीक है, तो वो वाली जो डिवाइस होती है उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, बहुत कम वोल्टेज पर ही काम चल जाता है। तो उसके लिए मेरे को फुली रेक्टिफाइड आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर हाफ वेव से ही काम चल जाता है, ठीक है। सिलेबस में था ट्रांजिस्टर भी, लेकिन वो हट गया है सिलेबस में, नहीं करना है आपको, नहीं तो वो चीज़ भी हम पढ़ते। तो यहाँ पर आधी ही वेव बस रेक्टिफाई हो रही है, रेक्टिफाई का मतलब क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्ट हो रही है आधी वेव, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा फुल वेव रेक्टिफायर की, उसमें पूरी की पूरी वेव वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा और पूरी की पूरी वेव आपको दे देगा आउटपुट में, समझ गए। ये समझ में आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अच्छा दो तीन पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, the end A is positive and end B is negative, end B अपने आप ही negative हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी को बैटरी से किसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई नेगेटिव अनकनेक्टेड थोड़ी रहेगा, नहीं तो फिर तो वोल्टेज ही नहीं जाएगी उसमें, तो नेगेटिव को फिर इससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर पॉजिटिव मिल रही है तो जो इसका दूसरा एंड है, ये तो आप समझ लीजिए, ये मत सोचना कि आ रहा कहाँ से आ गया बीच में, ये तो बीच में हमने बल्ब लगाया है देखने के लिए कि मेरे को आउटपुट कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिस्को लाइट्स की तरह बल्ब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वो होता रहेगा, तो जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ पर भी हम हाफ वेव रेक्टिफायर लेंगे, समझ गए। तो वहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर है, कैसे बात कर रहे हो। अच्छा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट बना है हाफ वेव रेक्टिफायर है और उसमें ही हमारा लाइट कंटिन्यूअसली चल रही है, ब्लिंक नहीं कर रही, क्या बता दिया उसने, किससे बनवाया, मेरा भी सेम ही है प्रोजेक्ट। तो अच्छा सुनो सुनो, तो उसमें एलईडी लगाई होगी ना छोटी सी, हाँ, तो उसको क्या है ना कि वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि भाई वो अभी बंद होने ही वाला था, दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, अभी बंद होने ही वाला था फिर दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, तो वो उसको बंद नहीं होने दे रहा है।
क्योंकि एलईडी को जब हम बंद करते हैं ना, कोई भी अगर हम लाइट ऑफ करेंगे वो ऐसे करके बंद होती है। अभी वो ऐसे करके बंद होने ही वाली थी, पीछे से फिर से स्पाइक मिल गई, फिर बंद होने वाली थी, फिर स्पाइक मिल गई, इस वजह से वो जल रहा है। मुझे लगा तुमने प्रॉपर बल्ब लगाया है, बल्ब में तो ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना, वो चीज वो वाली जो दीपावली पर जो लाइटिंग होती है वो छोटा सा बल्ब ना जो लगा, हां तो वो एलईडी होगी। हां क्या बोल रहे थे? सर सेम ही है मेरे केस में। अच्छा, मुझे भी वही बनाना था। बनवाया ही होगा, बहुत बढ़िया चीज है। इलेक्ट्रिकल सही कर सकते हैं। एंड द एंड बी इज नेगेटिव। सर इसमें क्या होता है, इसमें नहीं मिलती है सेल्फ पॉजिटिव और अगर आपने प्रॉपर बड़ा बल्ब लगाया तो बल्ब तो ऑन ऑफ दिखेगा होते हुए, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। एंड एंड बी इज नेगेटिव, द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड, कॉमा द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड करंट flows through RL and current flows through RL. अच्छा, फिर लिखें during the negative half cycle तो इसमें कोई ऐसा याद भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। द एंड ए इज नेगेटिव एंड एंड बी इज पॉजिटिव, द डायोड डी इज रिवर्स बायस्ड एंड no current flows through RL, bracket में ये भी लिख लेना as shown, मतलब आपको ये waveform दिखा देनी है, ठीक है। बताइए भाई क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। अब फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो आपको मैं बनाकर, हाँ जी हाँ जी, फुल वेव रेक्टिफायर में बनाकर एक बार इसकी वर्किंग समझा देता हूँ, ठीक है। तो वो भी बेहद आसान है, सिर्फ वर्किंग समझा देता हूँ, लिखवा देंगे नेक्स्ट टाइम। और कल जो है ना, कल एक्स्ट्रा क्लास ऑनलाइन रख लेंगे, मतलब जिन बच्चों को ऑफलाइन आना है वो आ सकते हैं, रात में रखूंगा बजे। चलिए जी, एक बार फुल वेव रेक्टिफायर का और देख लीजिए। इसका जो डायग्राम है ना वही सब कुछ समझा देगा, जैसे इसके डायग्राम से ही समझ में आ गया, इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या है कि यहाँ पर ये सिंबल होता है एसी का, एसी इनपुट बना लो चाहे तो, नहीं तो एक्सटेंड बनवा लो, ठीक है।
ये डायग्राम है, इसमें दो डायोड आएंगे, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया बी, इस डायोड को बोल दिया डी1, इस डायोड को बोल दिया डी2। अब समझ लो डायग्राम से ही आप बड़े आराम से समझ जाओगे। यहाँ पर ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ए पर भाई इधर से आ रहा है, यहाँ से एसी इनपुट आ रहा है, अब एसी इनपुट ज़्यादा था, उसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हमने उसको थोड़ा सा कम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज मेरे को मिल रहा था मैं उसको कम में कन्वर्ट करता ही करता हूँ। घर में हमको कम में कन्वर्ट करनी ही पड़ती है वोल्टेज, क्योंकि 220 वोल्ट है, हमको छोटे छोटे डिवाइसेस में 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको स्टेप डाउन करके हमने कम कर दिया। कम कर दिया तो जो वोल्टेज आएगी वो पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सेम काम यहाँ पर है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पर क्या मिलेगा पॉजिटिव और बी पर क्या मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो भाई ए तो हो गया शॉर्ट सर्किट, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और जब बी पर नेगेटिव यानी कि ये रिवर्स बायसिंग हो रही है इसकी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अंतर क्या है कि वहाँ पर लोड ऐसे लगाया जाता था, यानी कि जो बल्ब है वो यहाँ पर ऐसे लगाया जाता था, इसमें सेंटर में लगाया गया, इसलिए इसको सेंटर टैपिंग बोल देते हैं, सेंटर टैपिंग। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये हो गया कि भाई हमने ऐसे ये हमारा हो गया वोल्टेज, वोल्टेज एट ए, एक और बनाएंगे इसके नीचे, ये है, ये होगा वोल्टेज एट बी। तो जब ए पर पॉजिटिव जा रही है तो बी पर तो नेगेटिव जाएगी, ऐसे भाई जब ए पर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव, इधर से वोल्टेज आ रही है तो वोल्टेज इसी तरह से तो जाएगी कि एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, ऐसे ही तो यहाँ पर हो रहा था कि इधर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, तभी तो वोल्टेज अप्लाइड तभी तो कही जाएगी, नहीं समझे। अगर वोल्टेज कहीं पर भी अप्लाई करी जाती है, कोई बैटरी लगाई जाती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल कनेक्ट करे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव लगा दिया और करंट हो जा फ्लो, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लगाए जाते हैं, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव था, अब देखिएगा कि वही काम यहाँ पर हमने करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, अंतर क्या है कि यहाँ पर एक नया डायोड डाल दिया बीच में, तो जब ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो ये रिवर्स बायस होगा। तो आप ये देखिएगा जब वहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, तो वोल्टेज एट बी नेगेटिव, जब यहाँ पर अगली साइकिल में जब यहाँ नेगेटिव तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ की वेवफॉर्म इस तरीके से बनेगी और आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा। आप ये देखिए कि जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, पहुंचेगा लोड में, वही आरएल जो है लोड रेजिस्टेंस उसमें करंट पहुंचेगा। और फिर अगली हाफ साइकिल में क्या हुआ कि यहाँ नेगेटिव हो गया तो ये ओपन सर्किट, यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट, तो करंट यहाँ से फ्लो करके पहुंचेगा। तो किसी भी तरीके से जो भी हमने बल्ब या जो भी हमने डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, तो इन दो डायोड्स की वजह से कंटिन्यूसली उसको फ्लो मिलता रहेगा करंट का। एक बार डायोड वन ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ऐसा होता है। और आप ये देख लीजिए जब ये ऑन था तो ये ऑफ था, कोई मतलब नहीं, ये ऑन है ना। जब एक डायोड ऑन है तो लोड में तो करंट मिल ही गया ना मेरे को, तो लोड में मेरे को एरर क्लियर मिल गया। फिर क्या हुआ कि ये वाला ऑफ हो गया लेकिन ये तो ऑन था ना, भाई ये ऑफ हो गया लेकिन ये तो ऑन था, तो एग्जैक्टली यहाँ पर वोल्टेज मेरे को मिलेगा आउटपुट में। ये आउटपुट वाला वोल्टेज है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज जा रहा है। फिर अगले साइकिल में देखिए ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया, मतलब डी वन जो है वो ऑन हो गया और डी टू ऑफ हो गया, तो इसका वो वेवफॉर्म एज इट इज मेरे को यहाँ मिल जाएगा। फिर अगले में डी टू ऑन हो गया ये ऑफ हो गया ये ऑफ ये ऑन, तो ये वाला एग्जैक्टली मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, ये हो गया। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एक ऑन है दूसरा ऑफ है। भाई हमने जो लास्ट में जो ये बनाया है वेवफॉर्म, ये क्या बनाया है, वोल्टेज अक्रॉस आरएल।
तो आर एल यानी कि लोड रेजिस्टेंस को तो लगातार ही वोल्टेज मिल रहा है भाई, जब ये पॉजिटिव था तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, हो जाएगा तो ओपन सर्किट, मेरे पास तो दूसरा रास्ता, मैं तो यहाँ से पहुँच जाऊँगी, वो पहुँच गया, समझ गए। अच्छा तो जब ये ऑन था यानी कि वोल्टेज एट ए, जब ए पर पॉजिटिव थी तो एग्जैक्टली मेरे को आउटपुट मिल गया। अब क्या हुआ, अब अगली हाफ साइकिल में ए पर तो नेगेटिव हो गई, ए पर नेगेटिव हो गई तो ऑब्वियसली बी पर पॉजिटिव हो जाएगी, जब बी पर पॉजिटिव हो गई तो बी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वोल्टेज आर एल से दूर तक इधर से पहुंच गई, एक बार इस रास्ते से आ गई, एक बार इस रास्ते से आ गई। और ये हुआ कैसे, ये हुआ इस वजह से क्योंकि आपने एक और डायोड लगा दिया। वो आपको कुछ भी नहीं करना हाफ वेव रेक्टिफायर में, अगर प्रैक्टिकल आप लोगों ने ये ऑप्ट करा है तो आपसे अगर कोई पूछे कि हाफ वेव को फुल वेव में कन्वर्ट करना है तो आप ये कह देंगे कि बस मैं एक डायोड और लगाऊंगा और जो लोड रेजिस्टेंस को मैंने साइड में लगा रखा था उसको साइड में ना लगाकर सेंटर में लगा देंगे, बस इतना करना होता है, ये अंतर है दोनों में और कुछ भी नहीं। और वेव फॉर्म आपको कंटिन्यूसली मिलने लगती है, ठीक है ना, इसको लिखवा दूंगा मैं अगली क्लास में। ये आपको इस वजह से बताया ताकि अगर कल पूछी जाए ये चीज़ तो बता सको, हाफ वेव यूज़ कर रहे हो ना प्रोजेक्ट में, हाफ वेव है तुम्हारा भी फुल है तो फुल में ये वाला ध्यान रखना है, तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपके हाफ वेव को फुल वेव में कन्वर्ट करना है कैसे करोगे, या दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे एक डायोड और इंड्यूस कर दूंगी मैं वहाँ पर, और ये जो लोड रेजिस्टेंस है जो सीधा लगा हुआ है उसको सेंटर टैपिंग कर लेना है, सेंटर में बस एक, ठीक है। चलिए जी, बाकी कल मैं फिर रात को 9 बजे रखूँगा फिजिक्स की क्लास।